सुन बयान वीडियो थाई में लेनू फिर ले लो सुन बयान होया ध्यान सुन बयान होया ज्ञान ध्यान कुछ और हो रहा है ऋषि का ध्यान कुछ और हो गया अरे ऋषि को हो गया पाप और पुण्य के कमजोर हो रहे हैं कर्म के विपाक भेद को ये पखेरू भी जानते हैं ये पक्षी भी जानते हैं धिकार है मेरे मनुष्य को मनुष्य पड़े को और धिकार है मेरे तप को धिकार है मेरे ध्यान को धिकार है मेरी आरूढ़ता को मैं तो कहीं का भी नहीं मुझसे तो पक्षी अच्छे हैं और कई जगह कई दर्जे ऊंचे और अच्छे उसी समय ऋषि को ज्ञान हुआ अरे वास्तव में ठीक कहते हैं मैं 12 साल की कह के आया था और वो तो समय हो लिया मैंने 12 साल का संकल्प और ले लिया। अच्छा ये रणधीर सिंह जी 100 रुपए और प्रदान करते हैं लगन बिना जागे ना कोई और खटक बिना काटे ना कोई ऐसा है कि खटक पूरी हो ना तो कार जाम गदगदी कर दे तो ये अपन जो पार और दे जा मारे कवि संवेदना में ज्यादातर यही हो रहे मारे भजनिया में नूर रहे आरा ने पहले नंबर दे दियो तो बड़बेरी ने सारी चिन्ह चिन्हवा दी झाड़ ली दिया फिर पता गलत भाई बिहार झाड़ी तो आप बात की बारी फिर उठे जिसके साल जम्मू ना आयो दुकान में कह दो भाई पैसा सारा का इकट्ठा कर दियो साथ जाकर रह जाए क्यों महाराज जी ऐसा है ना ऐसा है ना आपने तो कई दंगल देखे हैं नहीं था ना अब ऋषि किन्नम पक्षियों की बातें सुन करके और सहम जाते हैं एकदम से ऋषि का ध्यान आश्रम पर चला गया ओहो मैं किसी को छोड़ के आ गया था 12 साल की कह के आया था उसका तो कोई कसूर नहीं मैंने कितना बड़ा जघन्य किया है कितना बड़ा अन्याय किया है कितना बड़ा दोष किया है जिसका कहीं कोई उरीण होने का कोई रास्ता नहीं है मैंने ऐसे कलंक लगा लिए अपने लिए जिस दिन के धोने के लिए कहीं कोई किसी प्रकार का भी जल या कोई संसाधन नहीं है। ऋषि को ध्यान आया कि ओहो मैं तो कर्तव्य विमुखता करे बैठा हूं और ये पक्षी मेरे से अच्छे हैं इनको अपने कर्तव्य का बोध है अपने कर्तव्य का ज्ञान है। उसी समय ऋषि ने बैठे बैठे अपनी फटकारा मारा जटाओं को हिलाया और पक्षियों का घोंसला बगा दिया जटा मांद है कई नुबले ब्रह्म ज्ञान सुना लो गीता और सुना लो विवेचन कई पक्षी जो यथार्थ को जानने वाले थे नुबला भाई घोंसला और कितने गाल लिया घना पेट खड़ा पर इसके साथ रहने में इसके आश्रय में रहने में हमें भी दोष था हम दोष के भागी थे और ये यथार्थ है मैंने अनुभव करके देखा है। एक कोई आवारा कुत्ता आ गया और वो कुत्ता मेरी खाट का नाउन लाग गया कुदरती 3-4 दिन मेरा प्रोग्राम नहीं आया मौन रोटी गेर दू वो मोटर रोटी ठा के भाग गया और फिर रोटी का टेम पर यानी जब मैंने उन बेरो रहा भाई वो कुप रोटी खा के उको पीऊ तो काट पर जब मोटर फिर आ गया मैं फिर भीतर न जाऊं कि मैं क्यों क्यों खुड़काऊं जो टाबरिया क्यों के करो के बाद बाबा मगर दो रोटी दियो भाई यानी उन्हें मैं रोटी घेर दू
फिर वो मेरी खाट पर बैठने लागो, तो उठी के निकलन या लोग था, उन्हें एक दिन प्रभात देख लियो, उन्होंने बोल पड़े जी यो क्या कर रहा है मुके बोली यो कुत्तो मु फिर बैठे रहने दो भाई। अरे बोले महाराज यो तो बोल पाते सर बटको पहले बार हम तो गांव कहीं आग टाका लगवा दिया ना वो टिक्का लगवा दिया बस को सुंडी में कहीं आग टिक्का लगवा दिया ना तो नोकबाया लगवा दिया जब लगवा दिया ये मुको नहीं लगवा हुआ सारे जहां से अच्छा अच्छा हिंदुस्तान वाला क्या बात है क्या बात अब वो कुत्ता बाबू जी कहने न्यू भी करके ना देते लोग फिर उनको प्रहार फेर लागा कहीं तो उस तरह तो ऊपर कहीं निकल जाता बोले पड़ जी यहाँ की बात हुई मुझे बात की हुई यार लोग यो लोग पड़े और लोग आ गए भाई जीव मात्र को अपने भले बुरे का ज्ञान है जीव भी हित को समझता है जब हित होगा तो जीव समझता है कि यहाँ तेरा हित है तो मुकाब ये नहीं खा सकता तो बिल्कुल ये है आश्रय का भी और अन्न का भी बड़ा प्रभाव होता है बहुत भारी प्रभाव होता है। पिता में भीष्म ने नहीं कहा कि मैंने दुर्योधन के पाप गुण अन्न के खाने से मन विक्षेप पावन से आत्मा खराब हो गई थका हुआ था मैं तो ऋषि ने वो घोंसले भगा दिए पक्षी उड़ गए ऋषि अपने आश्रम को चल दिया अपने आश्रम पर ऋषि गया ऋषियाणी दर्शन करते ही बाग बाग हो जाती है मैं धन्य हो गया मेरे नाथ आ गए मेरे जीवन के आश्रय आ गए भैया कह रहा था यार दिखाइयो जरूर दिखाइयो क्या बता रहे हो बताइए भाई लक्ष्मी जून बताइए पढ़ी समझ में को नहीं समझ में मन बताओ ओ लक्ष्मी क्यों तू बात खराब करे से वो ओ को नहीं जानू सारे भी नारन 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 ओ ये बजाओ तो देख लियो या सक और से हाँ यही बहुत
करके यहां आया हूं और मैं मेरा कर्तव्य पूर्ण करके और ये चाहता हूं सूर्यास्त होने से पहले पहले यदि आसन पर वापिस चला जाऊंगा तो मेरा वो संकल्प भी नहीं बिगड़ेगा और कर्तव्य भी पूरा हो जाएगा। मैं इसलिए आया हूं और जल्दी में हूं, जाना भी चाहता हूं। तू समय पर आई, मैं तेरे को ऋतु दान नहीं दे सका, ये मेरा दोष है। तू मुझे माफ कर दे और अब मैं वो कार्य करने के लिए आया हूं। तू तैयारी कर, मैं अपना वो कार्य करके वापिस मेरे उसी आसन पर सूर्य छुपने से पहले पहले जाना चाहता हूं। ऋषियाणी बोले, महाराज अकल ठिकाने पर है कि नहीं? भाव है। क्या बात? बात क्या? ये दिन का समय है, दिन का समय मनुष्यों के लिए वर्जित है, मनुष्यों के मिलन का समय नहीं है, मनुष्य के लिए वर्जित है और ये पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए और राक्षसों के लिए होता है। पतिदेव देखिए, अब ये आपका
कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। ऋषि कहते मुझे बोध है, ये मनुष्य का समय नहीं है, पर जिसका समय है उसका समय तो है ना। निवली किसका समय है कि तू ही तो कह रही है पशु और पक्षियों का है, मेरे तपोबल का मैं तेरे को चमत्कार दिखाना चाहता हूं। के क्या चमत्कार कि मैं यूं ही नोएडा बना बैठे रहा है 12 साल, ये मेरे केस यूं ही नहीं बड़े हैं, सफेद तो ना हुआ था काला था, सफेद हुआ बस क्या ना हो दर्द को दे। मोदी जी तो सुधर थारला बड़गा हो जाता तो फिर दुआ तो ही कोने मोदी जी तो सुधरवा ली थे मैं सुधरवाऊंगी आगड़ा में आएगा भाई बीमारी कप्तान साहब आगड़ा आएगी ना। मैंने जब पहले लॉकडाउन लागू पहली साल शुरू में पहली लहर आई थी ना कोरोना की, तब मैंने संकल्प लिया था 19 जब मैंने वो मार्च में 24 मार्च में जो संपूर्ण भारत बंद करे थे ना मोदी जी ने 24 मार्च उस दिन मैंने ये संकल्प लिया था। मगर भाई हम जटा जूट रहेंगे, ब्राह्मण साधु संत ये तो के तो संकल्प करें कि व्रत करें कि तपस्या करेंगे। देश पर आपत्ति है तो हमें कुछ संकल्प करना चाहिए, जैसे आप कर्तव्य प्रायण हो, ड्यूटी इज ड्यूटी, तो सबको अपना कर्तव्य 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 का पालन करना चाहिए, राष्ट्र सेवा है। ऋषि ने कहा कि मैं जानता हूं दिन का समय हमारे लिए नहीं है, पर दिन का समय दिन के लिए है, मैं उसी रूपरेखा से इस कार्य को संपूर्ण करने की इच्छा से आया हूं। वो कैसे कि देख मैं आ भाई Thank you.
सारी चीज लिया।
ले ले भाई एक मुसाफिर कोट भूल गया हाँ पढ़ा मिला तरा लगा रखी सिर्फ कांचली भी कोई हाँ लगा रखी कि सिर्फ कांचली नहीं कद कोई जीव आत्मा दिख को ना दिख थोड़ी वो तो देख दे वो तो एक मुसाफिर कोट भूल गया पड़िया मिला सर आयो वो तो दिख है ना दिखने वाली चीज के ऊपर का है बता रहे गली में यो भी को शरीर में कौन अब राय में पड़े होगो वो कान में कुण कोट कहेगो मुर्दा पड़ेगा ने कुण कोट कहेगो उपमा दे दी वो कर सके मन में सोच लो बात कुण से ये कविया की निर्गुण में बात चल रहा है ना निर्गुण में कोई और ही विषय है और भी उसका है मनाई कर दिए या कोने दिए और ही अलग बात कर रखे ना भाई मोती उगलने वाली सीप भी नहीं है वही चीज कर रखी है संख तो नस है संख भी नहीं है संख भी तो नहीं है ये तो सब चला वाला आ जाए यार बकरी दूर तो चचर मिल जाए हाँ बताओ नहीं जो कहाँ भेजे कब ये तो कुछ भी मान लो जानवर कवच हो गया जैसे शंख है बांसुरी है शंख भी एक कोटि को रूप है मान लो को भीतर रहे मुलायम भी हो रहा है चमकीली भी हो रहा है स्वार्थ के कारण लोभ के कारण दूध के कारण कामयाब वो ना वर्ण संकरता है वर्ण संकर पैदा हो गए जाओ सर Thank you.
और इसी चमत्कार के हाँ इसी चमत्कार के आर पार आधार बने आर चमत्कार के ये आधार आर पार इसी चमत्कार के वो आधार आर पार प्राणी मातर बंदरोसे प्राणी मातर बंदरोसे यो काम आयो काम देव बड़ा ठग ये योनी मनमोहनी होनी दोनी सारे ये योनी मनमोहनी होनी दोनी सारे I'm gonna
नहीं आवे सानो जे आलो ओ सान जी बैठे सुनो नहीं आवे सानो सान जी बैठे बड़ी पर बल सन घड़े उफान जिए बैठे काम की अलग बड़ी पर बल सन घड़े उफान जिए बैठे कुछ क्या और नहीं और का चाल है जोर वो अपनी ताल दिए बैठे बन सके खिलाड़ी करते फिर रहे थे जंगल में इधर नाग कहते इधर थे पिता इन सब पशुओं को मारने के इंतजार में और निष्प्रति जाया करते गैंडे चीते भालू शेर वगैरह पाढ़ सुअर इन हिंसक जंतुओं को मारने के लिए हिंसक पशुओं को मारने के लिए तेरे पिता नित प्रति जाया करते इधर इधर तीर कमान लिए बच्चे तीर कमान लिए बच्चे वो आप वो खुद पंडित कदे लक्ष्मण पर कम हो जा
करे आप और रहे, ना करे आप और रहे। और चाव के मावर छोटा घर कर गिरोद रहे। आ दोनों ऋषि ऋषियाई लगे अनुराग में, ऋषि ऋषियाई दोनों लगे अनुराग में। इसने के बेरा क्या लफा है जाग में, कौन जाने है कैसा रंग, कौन जाने रंग कढ़ंग, कौन बने भाग में। और सावन की होली आती, सावन की तीज अजीज हो सुहाग में। और इसी तरह पति पत्नी लगे अपनी आग में। हाँ, इसी तरह पति पत्नी लगे हुए लाग में। और जहाँ बैठे पंच भूख पहुँचे भूख भाग में। और लगे लगन में राजी मन में खुशी बनवाए रहे, लगे लगन में राजी मन में खुशी बनवाए रहे। लगे लगन में राजी मन में खुशी बनवाए रहे। धर पंड भू बनाए रहे। तीर और कमान बने ध्यान से बताए रहे। एक सिंह बबर बड़ा जबर निगाह रहे। मारूंगा इसको ऐसे निगाह रहे। छोड़ दिया तीर वीर खुले ना समाए रहे। वो सिंह तो ओझल हो गया, सिंह हुआ ओझल बादल भूमि के छाए रहे। धर मृग मृग रूप ऋषि ज्ञानी आए रहे। ऋषि ऋषियाणी दोनों प्रेम की लकीर में कौन जाने कैसी घटना चोरी की तकदीर में। और इधर ऋषियाणी आगे पीछे था तकदीर में। चावे था पत्नी के सिर में, राजी था पति अपनी पत्नी के सिर में। राजा का तीर लगा ऋषि के शरीर में। क्या वातीर शिव की तरफ जा रहा। क्या वातीर को शिव की तरफ जा रहा। ये सारी कहानी जानी नारद सुना रहा। और इधर से ऋषि चला जा रहा। और ऋषि का लगा तीर तीर तू कपाए रहा है। राम 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 राम
जैसे कोई तत्ता में की छाया में आ गया, जैसे कोई दबिया में की छाया में आ गया, पूछे भैया जैसे कोई दबिया में की छाया में आ गया। डर हो गया था, हो गया इतबार आ, हो गया इतबार अब छाया में आ गया। हाथों के बेरा था तू पराया में आ गया, और लगा तीर ऋषि अपने काम में आ गया। अपने काम आ गया, और भर्म का लपेटा भया माया में आ गया, भर्म का लपेटा भया माया में आ, भर्म का लपेटा भया माया में आ गया। इधर राम राम सुना, राम राम सुना मन माया में आ गया। और ये कैसे, ये कैसा खोज, ये कैसा खोज ना और आया महाराज। छूट गया बाण, छूट गया बाण भू भूला और शान, छूट गया बाण ऋषि भूला हाँ, छूट गया बाण रख भूला और शान, अब तो इसका प्राण बचाना पड़े। धनुष्बाण राजा भूला ओ जान, अब तो इसका प्राण बचाना पड़े। कौन रहा देर, कौन बेर बेर, इसे हम लेर दिखाना पड़े। कर रहा कि कैसा, ये कैसा कहे कथन करूंगा मथन, अब तो कोई जतन बनाना पड़े। इधर पत्नी को प्रीतम का ख्याल आ गया। कहां उधर हुए पति मलाल आ गया, कहां उधर हुए पति मलाल आ गया। और अरे अनहोनी हुई हो कोई ख्याल आ गया। इधर मन का भाव उसका संभाल आ गया। और मक्खन लूंगी जात पड़ताल आ गया, एक खर्च के आम शिवलाल आ गया। इसके काम सरसे वो भरने आड़ा नहीं भर तो इसके पेट सरसे We'll be right back.
सतगुरु जी की सहन करे ओ सतगुरु जी की सहन करे से तमाम नखियां काटी ओ किंदम और ऋषियानी मृग और मृगी बन करके जब मनोकामना पूर्ण करने के इरादे से वन में विचरण करने लगे, क्रीड़ा करने लगे, तो वो छलांग भरते भरते और अपनी कामना को पूर्ण रूप देते हुए विचरते विचरते उस भूभाग में चले जाते हैं। नाथ कहते हैं जहां तेरे पिता अपना धनुष बाण लिए और फिर रहे थे, तेरे पिता को एक सिंह दिखाई दे गया कि मैं इसे मारूंगा। तेरे पिता ने सिंह को देख करके अपनी चाप पर तीर चढ़ा लिया और इधर से वो तीर छोड़ा तो सिंह तो जल हो गया और वो राजा पंड का छोड़ा हुआ तीर, यानी तेरे पिता का छोड़ा हुआ तीर, वो ऋषियाणी तो आगे निकल गई मृगी के रूप में और वो मृग पीछे से आ गया, पीछे पीछे आ रहा था, वो बीच में तीर के रास्ते में मृग आ गया, वो तीर अनजान में उस मृग को जा लगा। तीर लगते ही और वो तो मृग थोड़ी था, मृग नहीं था वो तो ऋषि किंदम थे। तीर लगते ही और ऋषि ने विचार किया कि पशु योनि में प्राण त्यागना ठीक नहीं, उचित नहीं है, अधोगति को प्राप्त होगा। तो तीर लगते ही ऋषि अपनी योनि में आ गया और हाय राम 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 पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर गया। इधर जब राम राम का शब्द सुना और तेरे पिता ने वृक्षों की ओर से आगे निकल करके देखा तो तेरे पिता के हाथ से धनुष बाण छूट गया और शरीर में कपकपी हो गई, ये मेरे से क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया। तो तेरे पिता छिटक जाते हैं, देख तो लिया कि ये तो कोई तपस्वी था और मैंने बड़ा बुरा कर दिया। उसी समय ऋषियाणी जब फिर के देखती है मृगी के रूप में और पीछे मृग के रूप में पति आता दिखाई नहीं दिया तो मृगी ने विचार किया कहीं कुछ कोई अनहोनी तो ना हो। पीछे पीछे बहुत देर से मेरे साथ साथ चल रहे थे, अब वो इतनी दूरी से तो रहने वाले नहीं थे, इतना अलगाव तो मेरा उनका नहीं होना था, ये क्यों हुआ कैसे हुआ मैं चल करके देखूं। देखती है और वो हाय राम की आवाज ऋषियाणी के कानों में पड़ी, पहचान लेती है कि तो तेरे पति की आवाज है। और ऋषियाणी आकर के देखती है तो ये क्या, पति का शरीर शांत हो चुका था, ऋषियाणी भी अपने स्वरूप में आ जाती है और पति को उठा लिया गोद में। तेरे पिता कुछ हिम्मत करके पास चले गए, हाथ जोड़ लेते हैं, ये आपका अपराध मेरे से हो गया, मैं हूं अपराधी आपका, मुझे जो चाहो सो दंड दे सकती हो आप,
बोला अरे वाह मैं क्या दंड दूंगी, तू एक छोटा सा काम कर दे मेरा, क्या कि तू भाई टेम हो गया। हाँ टेम हो गया, सही बात। चार बजे तने तो तेरा कर्म कमा लिया, मेरा मन है कमाना से। लकड़ी चुक के मेरी चिता बढ़ा, मन पति लोक में जाना है। मैं पति लोक में जाऊंगी और तेरे पिता ने ऋषियाणी की आज्ञा का पालन किया, चिता बढ़ा दी। ऋषियाणी पति के साथ सती हो जाती है। आखिरी समय ऋषियाणी ने कहा के श्रेष्ठ मानव, तुम्हारे पैराम से, हाव भाव से, डील डोल से, बोलचाल से ऐसा महसूस होता है कि तू किसी राज घराने का है। तो देख, मेरी कामना थी मेरे पिया से मिलने की और वो कामना मेरी पूर्ण नहीं हुई, पर मैं श्राप नहीं देती हूं, तुम्हें चेतावनी देती हूं कि तुम मेरी तरह से प्रिय की मिलाप की कामना मत करना। यदि प्रिय मिलाप की कामना करोगे तो मेरी वाणी गति को, यानी बिछोह की गति, संबंध की गति नहीं, मेल की गति नहीं, मिलाप की गति नहीं, विच्छेद की गति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कह करके ऋषियाणी पति के लोक में चली गई। नारद कहते हैं तेरे पिता को ऋषियाणी ने माफ तो कर दिया कि तेरे को कोई दोष ब्रह्म हत्या का नहीं लगेगा, क्यों तूने अनजान में जान के नहीं किया, और फिर मेरे पति भी दूसरी योनि में थे, इसलिए तू ब्रह्म हत्या के दोष का भागी तो नहीं होगा। तो ऋषियाणी ने माफ कर दिया था, पर तेरे पति की भूल ये हो गई कि वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए थे, वो दोष लगा हुआ है, इसलिए उनको वहां वो स्थान नहीं मिल रहा है जो उनकी इच्छा है। और तू इस लायक है, तू राजस्वी यज्ञ कर दे जिससे तेरे पिता को वो स्थान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर कथा विश्राम पर है, बोलिए गंगे मैया की, बोल रामचंद्र भगवान की, बोल कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण।